चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह और बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के बीच जबरदस्त टक्कर होने से ही पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जंग होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के मौके पर जहां भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह पूरे बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार है, तो वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अभिनीत वार भी बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस के साथ साथ पूरे भारत में एक साथ प्रदर्शित होने वाले हैं। यानी कि दोनों ही फिल्में बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर होने वाला है और दोनों ही फिल्मों का क्रेज अपना अपना अलग है। जहां भोजपुरी फिल्मों का क्रेज बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा है, तो वहीं ऋतिक रोशन का भी फैन फॉलोइंग बिहार में काफी ज्यादा है और दोनों ही फिल्मों के लेकर इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी की माहौल देखने को मिल रहा है। जहां पवन सिंह के फैंस ज्यादा शेर सिंह को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं ऋतिक रोशन के फैंस बार देखने के लिए काफी ज्यादा साहित होते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म बाजी मारती है दुर्गा पूजा के मौके पर, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही फिल्मों का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जी हां, जहां शेर सिंह में पवन सिंह पहली बार आम्रपाली दुबे के साथ लीड कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, तो वहीं वार में ऋतिक रोशन पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ जोरदार एक्शन पैक अंदाज में नजर आने वाले हैं। दोनों ही फिल्मों का ट्रेलर काफी ज्यादा धांसू है और दोनों ही फिल्मों फुल ऑन एक्शन पैक अंदाज में दोनों स्टार नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमें कमेंट करके आप ये बताएं कि आप दुर्गा पूजा के मौके पर ऋतिक रोशन की वार देखना पसंद करेंगे या फिर पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।